डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नाउ पहले तो तुम समझो, एक जमाने में ICICI और ICICI बैंक अलग हुआ करता था। ये 1955 में शुरू हुआ, ये 1990s में शुरू हुआ। अच्छा, तो ICICI, ठीक है, ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस समय था। नासिक में जब ICICI खुला, तुम यदि उनके पास गए होते हैं आज से 20 भी नहीं 30 साल पहले, तो उन लोगों ने क्या बोला होता? तुम बोले होते कार लोन चाहिए, वो लोग बोले होते भाई 3 करोड़ के ऊपर कर्जा चाहिए तो बात करो, वरना हमारे पास मत आओ। आज भी तुम IFCI के पास जाओगे कार लोन, वो लोग बोलेंगे हमारे पास मत जाओ, किसके पास जाओ? HDFC के पास जाओ, ICICI के पास जाओ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और अदर की फैक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए ओपन किया गया। तो ICICI बैंक के साथ मर्ज हो गया, ठीक है, ये रहा। और अभी इंडस्ट्रियल क्रेडिट के लिए तुमको जाना है तो बेटर किसके पास जाना है तुमको? IFCI, जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस को कर्जा देता है। इंडस्ट्री, तुम्हारा होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सब पर्सनल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी जिंदाल ने ताइवानीज चिप कंपनी के साथ टाइप किया और 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये लोग करेंगे इंडिया में चिप बनाने का, जिसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। तुम्हारे मोबाइल, कार, वॉशिंग मशीन, सब जगह चिप्स आ गए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, चिप्स के बिना तो कुछ भी नहीं चलता है, अभी सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि IFCI इनको लोन देगा, बट ऑटो लोन, होम लोन साफ मना कर देगा, क्योंकि वो कमर्शियल बैंक नहीं है, वो डेवलपमेंट बैंक है, वो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए कर्जा देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉर्मली लंबा सोचते हैं और उनका लोन देने का जरिया इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर रहता है। छोटे मोटे लोन 50 लाख, 25 लाख, ये सब के लिए तो लोग साफ मना कर दे, ये लोग बड़े बड़े लोन्स देते हैं, करेक्ट। तो ये क्या है? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, करेक्ट। तो ये खत्म होता है, सिंपल सा, छोटा सा। इधर थोड़ा सा और दिया, वो भी बता दो। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव डाइवर्सिफाइड देयर ऑपरेशन विद द एडवेंट ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। कभी सोचा था कि इतना चिप्स इंडिया खुद बनाएगा? कंटेनर सुना है, एक्सपोर्ट करते तो कंटेनर आते हैं 20 फीट 40 फीट के ट्रक में, बड़े बड़े कंटेनर रहते ना, इंडिया कहाँ बनाता है? अभी चाइना में कोविड के टाइम शॉर्टेज आ गया तो इंडिया खुद बनाना शुरू करेगा, उसके लिए कर्जा कौन देगा? ये, ठीक है। दस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग देमसेल्फ इनटू यूनिवर्सल बैंक्स। अभी ICICI यूनिवर्सल बैंक बन गया, टाइप ICICI ने किसके साथ मर्ज कर दिया? ICICI बैंक। अभी तुम किसी भी पर्पस के लिए जाओ, होम लोन दे विल से यस, पर्सनल लोन दे विल से यस, क्रेडिट कार्ड दे विल गिव यू। हाँ, इंडस्ट्रियल लोन के लिए नॉर्मली आदमी ICICI के पास नहीं जाएगा, नॉर्मली किसके पास जाएगा? IFCI। बट इफ यू गो फॉर इंडस्ट्रियल लोन दे विल नॉट से नो, दे माइट गिव यू द लोन ऑल्सो। आया समझ में? तो अभी एक ऐसा कंसेप्ट आया है जो मैं 25-30 साल पहले सोचता था कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। हाउसिंग लोन चाहिए तो तुम HDFC के पास जाओ, गोल्ड लोन चाहिए तो तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जाओ, ऑटो लोन चाहिए तो गिने चुने बैंक्स देते थे, इंश्योरेंस का लोन चाहिए तो LIC के पास जाओ। सबका अपना एक डायमेंशन था, अपने यहाँ पे कैसे ना, कॉमर्स साइंस के भी क्लासेस, कॉमर्स के भी क्लासेस, स्कूल के भी 8th and 10th, JEE, NEET सब चलता है। तो आजकल का जमाना यूनिवर्सल का है, एक बैंक अपने आप को इतना बड़ा, ये छोटे मोटे बैंक्स का नहीं है, ये 500,000-2,000 करोड़ का कर्जा देने वाले हैं। तो आजकल बैंक्स थोड़े यूनिवर्सल हो गए हैं, ये लोग सर्टन बैंक्स, नॉट ऑल द बैंक्स, वो लोग इंडस्ट्रियल लोन भी देंगे, बट एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल बैंक जो कर्जा देगा तो वो IFCI देगा, ठीक है, एक्सक्लूसिव। ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये तुम बैंक में जैसे 1,000 रुपया SBI में डिपॉजिट किया वैसे डिपॉजिट नहीं लेंगे, ये लोग एक्सक्लूसिव कर्जा देते हैं, ठीक है।
इसलिए इनको डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। कमर्शियल बैंक भी, कमर्शियल बैंक डिपॉजिट लोगों से लेता है, उस पैसे से कर्जा देता है। लॉजिक समझ में आया सबको? तो ये था डेवलपमेंट बैंक, जिसमें कमर्शियल बैंक, बड़े बड़े लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट बैंक्स के लिए 50-100 करोड़ कुछ भी नहीं है, 2-5-10 हज़ार करोड़ की बात ये लोग करते हैं। कर्जा 50-100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ ऐसे बड़े बड़े कर्जे ये बैंक देता है। अब रिवर्स मर्जर कैसे हुआ? आईसीआईसीआई बाप था, आईसीआईसीआई बैंक बेटा था, पर बेटा इतना बड़ा बन गया तो उसने बाप को खरीद लिया। आईसीआईसीआई 1955 को शुरू हुआ था, आईसीआईसीआई बैंक 1990s में कुछ ही साल में आईसीआईसीआई बैंक लीडर बन गया, तो उसने ही पप्पा को खरीद लिया, वो वाली बात है ना। तो रिवर्स मर्जर बोलते हैं। दोनों में फर्क ये था, अभी डिफरेंस नहीं रहा क्योंकि दोनों एक ही हो गया। आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल कर्जा देता था, तू बोलेगी होम लोन चाहिए तो आईसीआईसीआई बोलता था आईसीआईसीआई बैंक के पास जाओ, आईसीआईसीआई बैंक देते थे। अभी भी मैं तेरे को 2 महीने पहले तक का एग्जाम्पल देता हूं। भारत में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों अलग है, अलग थे दोनों अभी मर्ज हो गए। तो तेरे को होम लोन चाहिए तो एचडीएफसी बैंक बोलेंगे हमारे पास मत आओ, नासिक में कमिश्नर ऑफिस के सामने एक एचडीएफसी हाउस है, देखा है कनाडा कॉर्नर में, वहां सीधा जाओगे तो वो एचडीएफसी है, वो होम लोन ही देगा, दूसरा कुछ भी नहीं। वहां तुम डिपॉजिट नहीं कर सकते पैसे, तुमको क्या बोलते हैं कार लोन चाहिए तो एचडीएफसी वाले बोलेंगे हमारे पास मत आओ, एचडीएफसी बैंक के पास जाओ। आया समझ में? तो दोनों अलग है और दोनों के शेयर बाजार में सेंसेक्स बीएसई में एचडीएफसी अलग शेयर था, एचडीएफसी बैंक अलग शेयर था, अभी दोनों मर्ज हो गए, ठीक है ना। प्रक्रिया चल रहा है, प्रक्रिया पूरी होने के बाद एचडीएफसी बैंक विल बिकम द टॉप 10 बैंक्स नॉट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। इंडिया में वैसे भी प्राइवेट सेक्टर में नंबर 1 है, वर्ल्ड के टॉप 10 बैंक्स में आ जाएंगे जिस दिन ये मर्जर पूरा हुआ, ठीक है। अच्छा, आईडीबीआई बैंक का नाम सुना है? आईडीबीआई और आईडीबीआई बैंक भी अलग था, आईडीबीआई और आईडीबीआई बैंक दोनों अलग थे। अच्छा, तुम आईडीबीआई के पास जाओगे, वो लोग कर्जा इंडस्ट्री के लिए देते थे, आईडीबीआई नॉर्मल बैंक था, जैसे बैंक होता है एसबीआई की तरह। तुमको इंडस्ट्रियल लोन चाहिए तो आईडीबीआई बैंक मना कर देता था, बोलता था आईडीबीआई के पास जाओ, आईडीबीआई बैंक बोलता था कितना चाहिए, 3 करोड़ के ऊपर तो हमारे पास आओ। फिर आईडीबीआई को लगा यार 50 लाख करोड़ छोटे लोन, तो आईडीबीआई ने एक और बेबी जो पैदा किया, नाम रखा सिडबी, आईडीबीआई का बेबी रूम, सुना है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक भी होंगे, छोटे लोन 50 लाख, लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए लोन देता है। नॉर्मल बैंक नहीं बोला है कि एसबीआई, तुमको छोटा इंडस्ट्री के लिए लोन सिडबी के पास जाओ, बड़ा इंडस्ट्रियल लोन आईडीबीआई, लेकिन फिर आईडीबीआई और आईडीबीआई बैंक भी मर्ज हो गए। Now it is only IDBI bank. क्योंकि दो बैंक की क्या जरूरत जब दोनों एक साथ हो सकते, एक ही नाम पे सब करो ना। यूनिवर्सल बैंक हो गया, अभी कमर्शियल बैंक से भी ऊंचा, जो कर्जा चाहिए हम तुमको देंगे। और इसमें क्या होता है, एक ही साथ रहा ना, अब टेम्पो इधर जा रहा है फिर उसका टेम्पो अलग रहेगा, एक ही टेम्पो में दोनों का काम होता है ना, सस्ता में होता है, ठीक है ना। दो अलग अलग एरोप्लेन रहे, विस्टारा और टाटा दोनों अलग था, दोनों तुम्हारे एयरपोर्ट से एरोप्लेन के अंदर सूटकेस लेके जाने के लिए अलग बस या ट्रक रहते हैं, ट्रैक्टर रहता है। नाउ दोनों मर्ज हो गए, विस्टारा और एयर इंडिया, ठीक है 2024 को होगा ये, लेकिन मर्ज हो गए तो क्या होगा, एक ही ट्रैक्टर एयर इंडिया ट्रैक्टर वापस आएगा विस्टारा के लिए, मतलब दो ट्रैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, कितना एक ट्रैक्टर से काम हो जाता है, इसको सिनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है, अनलेस तुम्हारे और कोई क्वेश्चन नहीं, ओके okay.